दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू इंडियन सोल्जर वन। मेरा नाम है वासव और गाइस, क्या टाइटल पढ़ के लग रहा है डर कि कहीं प्लेस्टेशन 4 बंद ना हो जाए आने वाले E3 पे? तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जो सोनी प्लेस्टेशन के CEO हैं तकाशी मोचिज़ुकी, उन्होंने ये ट्वीट किया है जो आप देख रहे हो। PS चीफ कोडेरा, PS4 इज एंटरिंग फाइनल फेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल विच वुड हैव नेगेटिव इंपैक्ट टू द यूनिट बट रिकरिंग रेवेन्यू वाय मेंबरशिप सर्विसेज एक्सेट्रा शुड कुशन सम ऑफ दैट। तो गाइस, इसका मतलब सीधे सीधे ये बनता है, उन्होंने बोला है कि PS4 अपने लास्ट फेज में एंटर हो रहा है, ना कि हम प्लेस्टेशन 4 को बंद कर रहे हैं। देखो, कोई भी कॉन्सोल अगर 6 से 7 साल या 8 साल तक होता है तो उसके आप डिवाइड कर लीजिए 4 फेसेस में। तो अभी अगर कम से कम अगर ये 2019 में भी जाके E3 में अनाउंस करें तो भी प्लेस्टेशन 4 को बाहर आने में, जो मार्केट में आने में 2020 तक का टाइम लगेगा। और सोनी ने ये क्लियर कर दिया है कि 2018 के E3 में वो कोई भी हार्डवेयर अनाउंसमेंट्स नहीं करने वाले हैं और प्लेस्टेशन के अनाउंसमेंट हमेशा E3 में होता है गाइस। तो निश्चिंत हो जाओ, प्लेस्टेशन 4 लेना है तो लो, ये सबसे अच्छा टाइम है। और गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर प्लेस्टेशन 5 आ भी जाता है तो भी आपका प्लेस्टेशन 4 बेकार नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि प्लेस्टेशन 4 के लॉन्च होने के 2 साल तक प्लेस्टेशन 3 पे गेम्स आती रही थी। आपको याद होगा एक गेम आई थी मेटल गियर सॉलिड 5 द फैंटम पेन। गाइस, प्लेस्टेशन 4 रिलीज हुआ था नवंबर 2013 में और ये गेम लॉन्च हुई थी सितंबर 2015 में, और ये गेम Xbox 360 PlayStation 3 पे भी आई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सोनी PlayStation 5 को 2020 में लॉन्च करता भी है तो जो डेवलपर्स हैं, जो गेमिंग स्टूडियोज हैं, वो एकदम से पुराने कंसोल की सपोर्ट नहीं बंद कर सकते क्योंकि उनको पता है कि उनका प्रॉफिट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। गेम्स 1 से 2 साल तक तो जरूर आएंगी, और अगर ये इतना अच्छा कंसोल है जैसे कि PS4 Pro वगैरह, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि 3 साल तक भी सपोर्ट किया जा सके इस कॉन्सोल को। तो गाइस, चिंता मत कीजिए, अभी बहुत टाइम पड़ा है, सबसे अच्छा टाइम यही है क्योंकि बहुत सारे नए नए टाइटल्स आने वाले हैं, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और उन टाइटल्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। और हाँ, सैटरडे को यानी कि कल मैं आ रहा हूँ लाइव शाम को 7 बजे, तो प्लीज रेडी रहना। तो ये मत बोलना कि मैंने बताया नहीं, मैं अभी कम्युनिटी टैब में भी डाल दूंगा। तो मिलते हैं आपसे कल शाम को 7 बजे लाइव, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू।